हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आप लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल अंबानी रिएक्ट्स पर। सो यार, आप लोगों को पता ही है पवन सिंह जी की रैली जोरों शोरों से चल रही है चुनाव प्रचार में। और सुनने में आया कि जिस दिन पवन सिंह की कल की रैली थी और उसी दिन ही मोदी जी भी काराकाट में आए हैं। हाँ, मतलब पहुंच चुके हैं, मोदी जी पहुंचे हैं काराकाट में, बट कुर्सियां खाली देखने को मिली है। तो पवन सिंह जी का काराकाट में ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है। तो चलो पहले वीडियो में देखते हैं कि क्या बात है, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। कि वो मेरे खाते, मोदी जी के चुनाव प्रचार में कुर्सियां खाली, भाई सही में खाली पड़ी है भाई। भारत बनाने के लिए आपके गांव लोग आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हमारे लिए भगवान है, उसमें लिखा नहीं है कि वो फलाना सिंह है, वो फलाना पांडे है, वो फलाना यादव है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट पहुंचे थे पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए और एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए, मगर नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए बहुत ही कम लोग गए थे। उनकी सारी कुर्सियां खाली की खाली ही पड़ी रह गई, आपके सामने तस्वीर में दिखाई दिया होगा। इसके साथ में दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह जब अपने मित्रों के साथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय यहाँ पे देखे होंगे लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो मोदी जी को देखने के लिए कम लोग गए हुए थे और वहीं दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। तो इससे साफ जाहिर है कि जनता नरेंद्र मोदी के साथ तो है, मगर काराकाट से जो सांसद बनाना चाहती है वो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बल्कि पवन सिंह को बनाना चाहती है। और आज के भाषण में आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी ने पवन सिंह को लेकर कुछ भी नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी भी चाहती हैं कि पवन सिंह ही काराकाट का सांसद बने। तो दोस्तों, मैं काराकाट वासियों से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग भाषण में ना पड़े, जो कि जमीनी स्तर पर विकास करना चाहता है, आपसे जुड़ कर रहना चाहता है, वो पवन सिंह हैं। तो पवन सिंह का मौका दीजिए। आपने तो उपेंद्र कुशवाहा को 5 साल मौका दे दिए हैं, एक बार पवन सिंह को मौका देने में क्या हाजिर है? क्या बात है यार। वैसे तो देखा जाए ना, पवन सिंह जी को है ना, मतलब बीजेपी से उनको निकाल दिया गया था, तो वैसे तो अब पवन सिंह जी अपना अलग से लड़ रहे हैं, काराकाट में उनका कैंची चुनाव चिन्ह है, तो मतलब बहुत लोगों की सपोर्ट मिल रही है। तो वैसे तो पवन सिंह जी जीत जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जीतने के बाद वैसे बीजेपी की तरफ से फिर पवन सिंह जी को ऑफर आएगी कि है ना, हमारी पार्टी में ज्वाइन करो। बट उस टाइम पे अगर ऑफर आती है ना, पवन सिंह को वैसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बाकी देखो आगे का क्या बनता है। बाकी पवन सिंह जी बिल्कुल पवन जी जीतेंगे। हाँ हाँ, ये तो है, पवन सिंह जी जीतने वाले हैं। बाकी मोदी जी है ना, वैसे सपोर्ट करेंगे करेंगे, स्पेशल काराकाट में आए हैं जो उनके पवन सिंह जी के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनको उनको जिताने के लिए। तो बाकी देखने वाली बात होगी कि इस बार का माहौल क्या बनने वाला है ना, जबरदस्त माहौल बना हुआ है। चलो बाकी यार, जबरदस्त जब मोदी जी आए तो बिल्कुल चेयर खाली, हाँ खाली खाली पड़ी थी, खाली पड़ी, पता लग जाता है इससे, पता लग रहा है सपोर्टर इस टाइम पवन सिंह जी के हक में ज्यादा है। बाकी यार वीडियो जबरदस्त थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको अनदर रिएक्शन के ऊपर। धन्यवाद।